हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर का चैप्टर टू। और मैं एक बार फिर से बता दूं, कंप्यूटर हमें कहाँ कहाँ आती है। आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में, उसके अलावा आरआरबी के पीओ और क्लर्क दोनों में, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है प्रोसेसर्स की बात। तो प्रोसेसर्स में आपको मैंने पिछले ही चैप्टर में बताया था कि एक सीपीयू थी जिसका आपने एक्सपेंशन किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग से हमने देखा था कि प्रोसेसिंग कहाँ होती है। प्रोसेसिंग कोई भी चीज़ होगी वो मेमोरी में होगी, ठीक है। और मेमोरी कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है। तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका था। अब सीपीयू के अंदर भी तीन पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सीपीयू है ना, ठीक है, ये एक पूरा बॉक्स सीपीयू है। इसके अंदर तीन पार्ट्स आएंगे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स, ठीक है। अब ये क्या क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल यूनिट की एक नॉर्मल सी चीज़, देखो जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है कंट्रोल यूनिट में ही होती है, क्योंकि ALU तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल। अर्थमेटिकल यानी कि मैथ्स के बेस्ड पे, ठीक है, इन और लॉजिकल जितने भी यूनिट्स होते हैं उन पे काम करता है। तो ALU का तो काम हमें पता चल गया। इसके अलावा आता है कंट्रोल यूनिट, जो जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है ये क्लॉक इनपुट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग करता है। बस ये चीज़ याद रखो कि क्लॉक इनपुट को वो एक्सेप्ट करता है। फिर आते हैं रजिस्टर्स, ठीक है, थर्ड पार्ट आ गया रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में क्या क्या आता है, रजिस्टर्स में हो गए एड्रेस रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर और एक्यूमुलेटर। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि रिजल्ट को कौन स्टोर करता है, जो जो भी सिस्टम ने रिजल्ट, आपने कोई इसको इंस्ट्रक्शन दी उसका उसने रिजल्ट निकाला, एक आपको डिस्प्ले किया, एक उसने स्टोर किया, तो कौन करता है स्टोर, एक्यूमुलेटर्स, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेफिनेशंस इनकी कर लेते हैं। देखिए, रजिस्टर्स को सबसे पहला पार्ट आ गया एड्रेस रजिस्टर्स। एड्रेस से ही पता चल रहा है कि ये एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। अब ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेता है एग्जीक्यूशन फेज के टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसको, कंप्यूटर को एक कमांड दी है, अब वो एग्जीक्यूशन फेज में है, वो उस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट यानी कि वो उस कमांड पे काम कर रहा है। जब वो उस कमांड पे काम कर रहा होता है तो वो वाला डेटा और वो वाली इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट आगे प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, इस प्रोग्राम काउंटर को हम पॉइंटर भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हम पॉइंटर किसको कहते हैं, पॉइंटर हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर को, पी से पॉइंटर, पी से प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये एड्रेस करता है जहां पर अगली इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पे को स्टोर करता है, उसको उस पर ट्रैक, उस पर नजर रखता है। फिर से एक बार बता दूं, एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो प्रेजेंट एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन उसके एड्रेस पे ध्यान देता है, और जो अगली होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस पे कौन ध्यान देता है, उसके एड्रेस पे ध्यान देता है प्रोग्राम काउंटर। प्रेजेंट पे एड्रेस रजिस्टर, नेक्स्ट पे प्रोग्राम काउंटर। और एक्यूमुलेटर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी सारी कमांड वगैरह जो रन हो जाती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। नेक्स्ट आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जितनी भी जो चिप्स होती है ना, चिप्स कहते हैं हम, चिप है ये हमारे कंप्यूटर में एक चिप डली हुई है, इसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो मेन पार्ट होता है, जिस जो सारी वर्किंग वगैरह संभालता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की कितनी टाइप्स आ गई, ये आ गई सबसे पहले विड्थ, ठीक है। विड्थ इतनी जरूरी नहीं है, 16 से शुरू है, 128 तक जाती है, इतनी जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन किससे आता है, ऑन द बेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। इसकी क्या चीज आ सकती है, एक तो डेफिनेशन फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे रिस्क की है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखो आईएससी दोनों में है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आर में आ गया रिड्यूस्ड, सी में आ गया कॉम्प्लेक्स। बस ये दो चीजें याद रखो, आर में आ गया रिड्यूस्ड, सी में आ गया कॉम्प्लेक्स, बाकी आई एस सी में आ गया इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब बात करते हैं ये है क्या। देखो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके इंस्ट्रक्शंस जो होंगी, जो हम लिखते हैं ना कंप्यूटर पे, हम कमांड डालते हैं फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, तो वो होंगी कम,
ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो अगर कम होंगी तो वो सिंपल होंगी, क्योंकि जितने कम चीज हो वो उतनी सिंपल होगी और फ्यू होगी नंबर्स में, क्योंकि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए ये हमारे लिए तो कम है लिखने में, पर अगर हमारे लिए कम है तो किसी ना किसी के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि रिड्यूस्ड है तो हमारे लिए भी आसान बन गया काम और कंप्यूटर के लिए भी आसान बन गया। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं तो हमें लिखने, हमें कम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कंप्यूटर को, पर उसको कंपाइलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि उसने हमारे लिए काम आसान बना दिया खुद पे बोझ डाल के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में सिंपल इंस्ट्रक्शन होगी, कम होगी नंबर में, हमारे लिए कम होगी तो कंप्यूटर के लिए ये चीज कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। ठीक है, और ये सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि रिड्यूस है तो सिंगल साइकिल ही होगी। अब आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सीधी सी बात, जो अगर रिड्यूस में सिंगल साइकिल है तो कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल साइकिल होगा। दूसरी चीज, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास कम इंस्ट्रक्शन होती थी और कंप्यूटर के लिए कंपाइलिंग मुश्किल हो जाती थी। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे लिए ज्यादा होगी। हम किसी चीज को कॉम्प्लेक्स क्यों मानेंगे, जब हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा हम उस चीज को कॉम्प्लेक्स मानेंगे। तो हमने, हमारे लिए जब ज्यादा इंस्ट्रक्शन आ गई तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया। अब ज्यादा इंस्ट्रक्शन हमारे पास थी तो कंप्यूटर के ऊपर से लोड कम हो गया, तो कंप्यूटर की कंपाइलिंग में इजी होगा ये, और हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा होंगी। ठीक है, ये है क्या, इनका क्या काम होता है और कैसी होती है इंस्ट्रक्शन, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस चीज से मतलब है जो हमारे एग्जाम में आ रही है। तो ये चीजें रट लो, मैं आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जितना हो सके। ये चीज एक्चुअली में ऐसी होती है नहीं होती है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप वर्ड्स को देखो और उसे याद करने की कोशिश करो। और एपिक की आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, आज तक इससे रिलेटेड सिर्फ फुल फॉर्म ही आई है और कुछ नहीं आया, और फुल फॉर्म भी रेयरली ही देखने को मिली है। तो एपिक की फुल फॉर्म है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग है इसमें, इसमें कंप्यूटर नहीं है, इसमें कंप्यूटिंग है। अब आ गया माइक्रो प्रोसेसर के बेस कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जो कुछ एग्जाम में देखने को मिले हैं। सबसे पहले 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कितनी है, 64 KB। ठीक है, ये आजकल नहीं देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल सकता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004, सबसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो एन मॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक, फ्लैग क्या होता है, व्हाट इज अ फ्लैग इन माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर की करंट स्टेट को कंटेन, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये है माइक्रोप्रोसेसर, अब आ गया ये वाला कि माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, एड्रेस बस की विड्थ पर। बस मैंने बात बताया था आपको क्या होता है, बस होता है कलेक्शन ऑफ वायर्स, एड्रेस बस मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, स्टेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर की स्टेट कौन सी है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट बताए उसमें से रिस्क वाली है। आर क्या था इसमें, रिड्यूस्ड आर था, रिड्यूस्ड। तो 8085 में इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो कम होंगी, पर वो कंप्यूटर की कंपाइलिंग के लिए कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक ये, एक ये, एक ये, और चौथा ये। स्पीड किस पर डिपेंड करती है, एड्रेस बस, और स्पीड किस में मेयर की जाती है, मेगा हर्ट्स में। तो ये चार इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन आप करो ना करो आप पे डिपेंड है, पर ये चार जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आईसी किस चीज की बनी होती है, सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन एक ही बार देखने को मिला है तो फिर भी कर लो, रिस्क क्यों लेना। आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, और आईसी को बनाया किसने था, जेएस किलबाई। ये फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन के एंड में जब मैंने इन्वेंशंस दी थी उसमें भी मैंने मेंशन किया है, अगर आपने वो इन्वेंशन अच्छे से याद की है तो आपको देखते ही याद आ गया होगा। नेक्स्ट आ गया कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल की यानी कि जब आप कंप्यूटर को कमांड दे देते हो तो क्या वो सीधा ही ऐसे आपने कमांड दी और इस टाइम आंसर आ गया, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलती है कंप्यूटर के अंदर जिसके बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या प्रोसेसिंग होती है उसको कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या होगा, आपने कोड डाला, आपने कीपैड से एक कोड टाइप किया और कंप्यूटर को
सेंड कर दिया। अब कंप्यूटर ने उसको फेच किया आपसे, सबसे पहले वो उसको फेच करेगा जो आपने डेटा दिया है। अब आपने जो उसको डेटा दिया वो तो आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इनपुट लिख दिया या फिर आउटपुट लिख दिया, वो तो हमारी अपनी लैंग्वेज में है। पर कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ बाइनरी, वन और जीरो की लैंग्वेज, ठीक है, जीरोज और वंस की लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को डिकोड करेगा, डिकोड करके उसने अपनी वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब कंप्यूटर को समझ आ रहा है, अब जैसे उसको समझ आना शुरू हुआ उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा और एक रिजल्ट वो आपको देगा और एक रिजल्ट वो अपने पास स्टोर कर लेगा। तो चार स्टेजेस हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन सी स्टेज कैसे काम करती है। अब आ जाता है रैम, मैंने कल आपको फुल फॉर्म पढ़ाई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैंने अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से वॉलेटाइल कौन सी है, मैंने उसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। वॉलेटाइल क्या होती है? वॉलेटाइल वो होती है कि डेटा इरेज हो गया, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ डेटा इरेज हो गया। तो कौन सा डेटा इरेज होगा? जिसको कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। और कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर किसको नहीं करता? जिस डाटा को कोई भी रैंडम पर्सन आके एक्सेस कर रहा हो। तो रैम के फुल फॉर्म से ही आप देख सकते हो, रैंडम एक्सेस, कोई भी रैंडम पर्सन आके उस डेटा को एक्सेस कर रहा है तो कंप्यूटर उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा और वो वॉलेटाइल हो जाएगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वो डेटा उड़ जाएगा। अब आ जाते हैं कि रैम की टाइप्स क्या हैं। तीन टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। तो इनकी फुल फॉर्म ही याद कर लो काफी है। डी रैम आ गया डायनेमिक रैम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू डेटा को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। डायनेमिक रैम इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। फिर आ गया स्टैटिक रैम, ये स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ लैचेस। लैचेस क्या होते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस रट लो कि स्टैटिक रैम जो है वो लैचेस के थ्रू डेटा स्टोर करता है। और एस डी रैम आ गया, डी रैम तो आपको पता चल गया डायनेमिक रैम, और एस इसमें आ गया सिंक्रोनस, दैट्स इट। क्या करता है क्या नहीं करता उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं पूछा जाता। आ गया रोम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रैम, क्योंकि इसमें जो दिख रहे हैं इसके टाइप्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं बता रहा हूं हर बार पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आ गया रीड ओनली मेमोरी होता है रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यानी उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको आप बस देख के पढ़ सकते हो। तो अगर आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते तो कंप्यूटर उसको परमानेंटली स्टोर कर लेता है और उसे नॉन वॉलेटाइल बना देता है। नेक्स्ट चीज, इसकी सबसे पहले टाइप आ गई मास्क प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब है कि जब भी कंप्यूटर से कोई वो मेमोरी बन रही होती है वो फैब्रिकेशन के टाइम पे ही उसको सेट कर देते हैं। अब फैब्रिकेशन यानी कि जब वो चिप बना रहे थे उसी टाइम उन्होंने मेमोरी वगैरह सेट कर दी उस पे, तो उसको तभी आप ऑल्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही जो कंप्यूटर में सेट बिठानी थी उन्होंने बिठा दी, ठीक है, तो इसलिए ये रोम में आती है। फिर आ गया पी रोम, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, रोम का तो आपको मतलब पता ही है, तो पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। अब इसमें क्या होता है, जीरोज और वन की फॉर्म में फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, ब्लोन फ्यूज यानी जीरो, इंटैक्ट फ्यूज यानी वन। ब्लोन फ्यूज और इंटैक्ट फ्यूज क्या है, मतलब कि जैसे घर पे होते हैं ना फ्यूज लगाए होते हैं, जब वो उड़ जाता है तो बिजली नहीं आती है आगे, तो इसको ऐसे याद रख लो कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज ब्लो हो गया तो आपके घर में बिजली नहीं आ रही। अगर आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो मीटर पे रीडिंग वो दिखाएगा जीरो, तो जीरो से आएगा ब्लोन फ्यूज। अगर आपके घर पे बिजली आ रही है तो वो मीटर पे कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा, तो वन से आ गया इंटैक्ट फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई पी रोम, पी रोम तो पता चल गया आपको प्रोग्रामेबल रोम। ई क्या है, ई का मतलब है इरेजेबल, इरेजेबल, ठीक है। पहले मैं इसी के साथ साथ दूसरी भी एक फुल फॉर्म बता देता हूं, ई पी रोम। ई आ गया इरेजेबल, पी रोम की फुल फॉर्म पता है। अब ये एक और ई जो आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। तो आप इसकी फुल फॉर्म से ही देख सकते हो कि अगर हमें कोई डेटा को इरेज करना है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजना होगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में भेजना है, ई पी रोम। तो फिर ई पी रोम में अगर हमें डेटा इरेज करना है तो उसमें कैसे इरेज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यूवी लाइट्स, ठीक है। ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, उसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल, और ई पी रोम यानी इरेजेबल पी रोम, सिर्फ इरेजेबल पी रोम, और उसके लिए यूवी लाइट्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट आ गया फ्लैश रोम, ये ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम के जैसा ही होता है,
इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जब ये कंप्यूटर के अंदर हो उसके बावजूद भी इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक, अब आ गई मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम सारा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें, जो भी अभी चीज़ें पढ़ रहे हो, ये कहाँ स्टोर हो रही हैं? आपके दिमाग में स्टोर हो रही हैं। ठीक है, किसी बंदे को काफ़ी देर के बाद भी कोई चीज़ याद रहे तो उसको कहते हैं ना इसकी मेमोरी काफ़ी शार्प है। तो वही चीज़ आ गई, कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। अब उसमें आ गई सबसे पहली कैश मेमोरी। सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है, ये चीज़ याद रखो। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी, मैंने पहली ही लाइन में लिख दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर। अब देखिए सबसे छोटी है और सबसे तेज है। अब छोटी है वो तो वो ज़्यादा डेटा को तो स्टोर कर नहीं पाएगी, पर उसको तेज भी होना है, तो जो डेटा आप उसको उस टाइम दोगे वो फटाफट उसे याद कर लेगी, जब काम में आएगा उसको फटाफट दे देगी और उसके बाद भूल जाएगी। ठीक है, तो क्या है कैश मेमोरी? सबसे छोटी मेमोरी है जो टेम्परेरी स्टोर करता है। ठीक है, किसको? जो इंस्ट्रक्शन आ रही है मेन मेमोरी से उसको। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया बफर। बफर भी एक टेम्परेरी मेमोरीज है। ये क्यों बनाई है? ताकि रैम के ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाए। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैंने आपको बताया रैंडम एक्सेस यानी कोई भी बंदा इसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये वॉलेटाइल है। मैं बार बार आपको रिविजन कराते रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट चीज आ गई सीपीयू एंड मेमोरी आर नॉर्मली कनेक्टेड टू थ्री ग्रुप्स ऑफ कनेक्शन कॉल्ड बस। बस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वायर्स। अब वायर बस होती कौन कौन सी है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बस ये तीन चीजें याद रखो कि बसेस सिर्फ तीन टाइप की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, ये डेटा को स्टोर करती है, ये डेटा के एड्रेस को स्टोर करती है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कंट्रोल बस का क्या यूज़ है। ठीक है, ये डेटा को, डेटा के एड्रेस को, और थर्ड है कंट्रोल बस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, दो तो नहीं आएंगे, चलो एक ही आएगा। एक क्वेश्चन अगर आएगा वो डेफिनेटली ये होगा कि एक बिट कितने निब्बल्स के बराबर होती है। ये देख रहे हो ना आप, सबसे छोटा यूनिट है निब्बल, सबसे बड़ा यूनिट है योटा बाइट। तो एक बिट कितने निब्बल्स के बराबर होती है? इसका आंसर है एक बिट जो है 4 निब्बल्स के बराबर होती है। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि गीगाबाइट, ये है ना जीबी, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गीगाबाइट से बड़ी वाली क्वांटिटी कौन सी है? तो आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है केबी, एमबी, टीबी या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको अगर पता होगा कि जीबी से बड़ी वाली कौन सी है तभी आप उसको मार्क कर पाओगे। आपको सिर्फ छोटी और बड़ी याद नहीं रखनी, आपको सबकी सब याद रखनी है। कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपको पूछा हो कि जीटाबाइट, इससे बड़ी वाली बाइट कौन सी है, और ऑप्शन में दिया हो एक्साबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, तो आपने इनके नाम ही नहीं सुने होंगे, आपको इनकी ओरिएंटेशन ही नहीं पता होगी, तो आप कैसे करोगे? तो इसको, इस वाले पार्ट को याद कर लो। जीबी तक तो सबको ही पता होगा, टीबी भी पता चली गया होगा क्योंकि आजकल सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनकी मेमोरी यही होती है। तो टीबी के आगे आपको बस 4 नाम याद करने हैं, ये याद कर लो, और एक निब्बल का याद कर लो। ठीक है, ये मैंने यहां पर एक चार्ट भी दे दिया है। एक निब्बल जो है 4 बिट्स के बराबर होता है और 8 बिट से एक बाइट बनता है। ठीक, बाकी ये 2^10 की पावर आपने करते जानी है तो उसके नेक्स्ट वाला यूनिट आते जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टीबी कितने एमबी के बराबर होता है, एक टीबी कितने एमबी के बराबर होता है, तो आप कैसे देख सकते हो? आपको पता है कि एक एमबी, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से किया है, आपको पता होगा कि एक एमबी जो है, सॉरी, एक जीबी जो है 2^10 एमबी के बराबर है। फिर एक टीबी जो है 2^10 जीबी के बराबर है। तो अगर हमें एमबी में निकालना है तो टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ये 2^20 एमबीस के बराबर है एक टीबी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली यही आएंगे आपको कि योटाबाइट, ठीक है, योटाबाइट लिखा होगा, योटाबाइट से कौन सी मेमोरी बड़ी है या कौन सी मेमोरी छोटी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उससे आपको बताना होगा। ठीक है, ये आ गए आपकी मेमोरी।
दूसरी आ गई कि मेमोरी में कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। तो यहां पर लिखा हुआ है स्पीड एंड कॉस्ट ये इंक्रीज हो रही है और साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्पीड होगी रजिस्टर्स की, सबसे ज्यादा स्पीड होगी रजिस्टर्स की। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? मैग्नेटिक टेप की। अब आपको इसकी भी पूरी पूरी सीक्वेंस याद रखनी है कि शुरुआत होती है रजिस्टर से, सबसे ज्यादा स्पीड होती है। अब देखिए सबसे ज्यादा जिसकी जिसकी स्पीड होगी उसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा होगी, है नहीं, और उसका साइज भी सबसे छोटा होगा क्योंकि वो छोटे साइज का है, वो थोड़ी सी कमांड लेगा और उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। तो रजिस्टर की सबसे छोटी है, फिर ठीक है स्पीड में, अब फिलहाल स्पीड की बात करते हैं। स्पीड जो है रजिस्टर की सबसे ज्यादा है, उससे कम है कैश की, उससे कम आ गई मेन मेमोरी जिसको हम सीपीयू कहते हैं, फिर आ गई फ्लैश मेमोरी, फिर आ गई मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गई लैंग्वेजेस और उनकी जनरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंप्यूटर्स, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब यूज होती हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे फोर्थ जनरेशन में, आईसी, यूएलआईसी, वीएलआईसी, ये सब हमने कंप्यूटर्स के रिलेटेड पढ़ा था। अब हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज के रिलेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहली लैंग्वेज जो होगी वो सबसे लोएस्ट लैंग्वेज होगी, तो सबसे पहली लैंग्वेज थी लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, वो थी मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी मशीन लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेकेंड लेवल की, वो थी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के जस्ट बाद आई असेंबली लैंग्वेज, इसको सोर्स लैंग्वेज भी कहते थे, मशीन को ऑब्जेक्ट, असेंबली को सोर्स। ठीक है, ऐसे रख लो, OM याद रख लो, ओपन मेरिट से, O से आ गया ऑब्जेक्ट, M से आ गया मशीन, और इसको S से साउथ अफ्रीका से याद रख लो, तो S से आ गया सोर्स और A से आ गया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कुछ भी ट्रिक करके आपको याद रखना है। अब थर्ड लेवल लैंग्वेज आ जाती है, थर्ड लेवल, ये क्वेश्चन आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है कौन सी जनरेशन से शुरू हुई, तो थर्ड लेवल से, थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज शुरू होगी, उसमें आती है कोबोल, फोर्ट्रेन, सी, पास्कल, जावा एटसेट्रा। ठीक है, ये पांच मेन पूछी जाती हैं कि ये, मतलब ऐसे आपको दे दिया जाएगा कि कोबोल जो है कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की, और थर्ड जनरेशन में कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम्पल बताओ कि थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लेवल की कौन सी है, आपको एग्जाम्पल में से एक उठा लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किस लेवल की है ये लैंग्वेज। फोर्थ आ गई एसक्यूएल, पोस्टस्क्रिप्ट, फोकस। ठीक है, ये वो वाली लैंग्वेज थी जो स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमंस, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है जो ह्यूमंस के स्टेटमेंट के जैसी दिखती है, तो वो फोर्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन आ गई वो वाली लैंग्वेज जो आपको प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे विजुअल बेसिक, प्रोलॉग, लिस्प। अब ये कोबोल, फोर्ट्रेन, प्रोलॉग, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैंने अलग से भी आपको बताया है। तो मैंने आपको बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो इसका मैंने आपको अलग से बताया हुआ है कि ये तीन टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कमर्शियल यूज के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी है, तो कोबोल है कमर्शियल यूज के लिए। तो अब आप देख लें, इन तीनों को पढ़ लेते हैं एक एक बार। प्रोलॉग जनरल पर्पस के लिए जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो है प्रोलॉग। इसको ऐसे याद रख लो, जी पे खत्म हो रहा है, जी से आ रहा है जनरल पर्पस, तो प्रोलॉग जी पे खत्म हो रहा है, जनरल पर्पस के लिए वो लैंग्वेज जो जी पे खत्म हो रही है। नेक्स्ट कमर्शियल, तो आपको ऐसे ही पता चल गया सी ओ है, तो सी ओ कमर्शियल में भी होता है, तो कमर्शियल के लिए कौन सी, कोबोल। नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला के लिए कौन सी, एफ ओ आर, फॉर्मूला, फॉर्मूला के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कौन सी। देखो इंजीनियरिंग में भी आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, फॉर्मूले लगाने होते हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो बेसिकली फॉर्मूला के लिए या कैलकुलेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज, फोरट्रेन। तो तीनों लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाते हैं लोएस्ट लेवल,
मैंने आपको अभी अभी बताई मशीन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लोएस्ट लेवल है मशीन लैंग्वेज। और एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, हमने पढ़ा OM और SA, ओपन मेरिट एंड साउथ अफ्रीका। O से आ गई ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, M से आ गई मशीन लैंग्वेज, A से आ गई असेंबली लैंग्वेज, S से आ गई सोर्स लैंग्वेज। ठीक, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? बाइनरी। बाइनरी कौन सा होता है? 01 01 01। मैंने आपको बताया ये लैंग्वेज ही ये वाली कंप्यूटर जो है समझ सकता है, तो वो बाइनरी ही एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट चीज आ गई विच टाइप रेंज ऑफ कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन डिजिटल वॉचेस। एक होती है एनालॉग वॉचेस, एक होती है डिजिटल। जिसमें सुई कांटे होते हैं वो होती है एनालॉग, और जिसमें ऐसे नंबर होता है 11:30, और जब टाइम ऊपर हो जाता है तो 30 बदल के हो जाता है 31, ऐसे आपको टाइम दिखता है, तो ये होती है डिजिटल वॉचेस। तो इसमें कौन से कंप्यूटर होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं, जिनको आप अपने मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? लिनक्स, नेटस्केप, अपैचे। वहीं पर क्लोज्ड सोर्स कौन सा है? यूनिक्स। इस चीज को याद रखना, ओपन सोर्स है लिनक्स, क्लोज सोर्स है यूनिक्स। इसमें कंफ्यूजन होगी, और अगर आपको एग्जाम में आएगा तो उसमें पक्का लिनक्स और यूनिक्स दोनों ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो ध्यान रखना कि ओपन सोर्स है लिनक्स और क्लोज सोर्स है यूनिक्स। नेक्स्ट आ गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी बंदे ने ओन किए हैं, कोई इन सॉफ्टवेयर्स का ओनर है, पर ये आपको चलाने के लिए दे रहा है एट सम प्राइस। यानी आप उसको एक प्राइस दोगे, उसके बाद वो आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा और आप इसे अपने कंप्यूटर पे चला सकते हो। तो नॉर्टन एंटीवायरस, CAD, आपको पता है जो भी आप कंप्यूटर पे अपने नहीं डाल पा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट, सबसे ज्यादा तेज मेमोरी किसकी होती है इन पांच में से? मैं आपको बता चुका हूं इन पांच में से सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैं अभी लिख के भी दे देता हूं। सबसे ज्यादा तेज होगी रजिस्टर की, फिर होगी कैश की, फिर होगी रैम की, फिर होगी रोम की, सबसे कम होगी हार्ड डिस्क की। वो जो मैंने एक आपको चार्ट दिखाया था ना, जो ऐसे करके बना था, वो वाला जरूर पढ़ लेना, उससे आपके सारे ये जितने भी ऑप्शंस वगैरह होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। सबसे ज्यादा तेज है रजिस्टर की, सबसे कम है इसमें हार्ड डिस्क की। इसी के साथ हमारा आज चैप्टर 2 भी खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो, नहीं भी आया हो तो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं बस उसके थ्रू आप याद रख लो। आपको बस पेपर में आंसर मार्क करना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मुझे एक्सप्लेन करो जो आपने आंसर मार्क किया है उसका मतलब क्या है। ठीक है, बस याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे तैसे। थैंक यू सो मच।